सब्सक्राइब करें हमारे YouTube यूनिक एजुकेशन चैनल को और इस YouTube के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिस पर क्लिक करें और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देख लेंगे सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड। हेलो गाइस, मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं व्हाट इज एनीडेस्क, एनीडेस्क का कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ एनीडेस्क। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तभी आप इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी एनीडेस्क के बारे में। तो फ्रेंड्स, देर न करते शुरू करते हैं। एनीडेस्क है क्या? तो एनीडेस्क एक स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन है जो आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप इसके स्क्रीन को देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी फ़ोन में दिक्कत आ रही है आप उसके स्क्रीन को देख के और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। ये भी है, और किसी को आप ट्रेनिंग देना चाहते हो इसके द्वारा आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। फ्रेंड, मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन आप काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड, अगर इस एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है तो इसको पहले आपको इंस्टॉल करना है। पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, इस पर और लिखना है एनीडेस्क रिमोट कंट्रोल और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलिंग हो रही है। इंस्टॉलिंग करने के बाद ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है, आप इसको दे सकते हैं। इसका मिसगाइड मत करना, जैसे कोई अगर कोई बंदा है आप उससे दूसरे कहने पर आप उसके इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे आप उसे नहीं जानते, या फैमिली मेम्बर आप जिसे जानते हैं उसके द्वारा आप इसको यूज़ करें। आप अगर नहीं जानते इस एप्लीकेशन के बारे में तो आप इसको मत यूज़ करें, क्योंकि इससे आजकल बहुत ही बैंकिंग और फ्रॉड होने लगे हैं और आजकल पेटीएम बैलेंस सब हो जाता है। लेकिन ये एप्लीकेशन बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है एप्लीकेशन है, इसके द्वारा आप बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ, आप इंस्टॉल कर लेना, फिर यहाँ डोंट शो फेस पे ओपन करना है, ठीक है? और फिर ये पॉपअप आएंगे कुछ, तो इस पर टिक कर देना है ऐसे, और टिक करते जाना है, परमिशन मांगता है कुछ, टिक कर देना है और फिर टिक कर देना है। फिर आपको जैसे ये योर एड्रेस आईडी दिया है, नंबर दिखा है, इसे आपको मतलब किसी मोबाइल को आपको एक्सेस करना है, किसी मोबाइल को, जैसे मेंबर, किसी फैमिली मेम्बर कोई दिक्कत है उसके, उसको कुछ बताना है उसे फोन के बारे में, तो कोई दिक्कत आ रही है उसे फ़ोन के बारे में बताना है उसकी जानकारी लेनी, तो आपको क्या करना है, इस योर एड्रेस को यहाँ एंटर करना है, उस फोन उसके मोबाइल के एड्रेस को ये एंटर करना है और ये एरो का निशान आ रहा है इस पर टिक कर देना है। और एज इट आप उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उसके पास नोटिफिकेशन वार्निंग आएगी और परमिशन मांगेगा, जैसे वो अलाउ करेगा और उसकी स्क्रीन को एज इट इज़ यहाँ देख सकते हैं मोबाइल में, और आप इससे एक्सेस कर सकते हैं उसका मोबाइल को पूरा, ठीक। आप उसके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी फ़ोटो वगैरह जो भी देखेगा आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है इस द्वारा, और इसके डिसएडवांटेज ये हैं, अगर कोई दूसरा बंदा आप पूछता है, आपका एड्रेस मांगता है, तो आप बिल्कुल इस एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, क्योंकि आजकल इस एप्लीकेशन से बहुत ही फ्रॉड होने लगे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बुरी नहीं, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इस्तेमाल इसका काफ़ी अच्छा होता है और आप इसे बहुत फ़ायदेमंद है, ये ट्रेनिंग और एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड, ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको, आई होप अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन सी टॉपिक चाहिए, तभी हमें पता पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, हम आपको बताएंगे कैसे एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को स्क्रीन को हम देख सकते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय।